तो फील गेम फैमिली आज से स्टार्ट होने जा रहा है अनचार्टेड द लॉस्ट लेगेसी का गेम प्ले। और इस गेम को खेलने के लिए मैं इसलिए भी इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ ना, क्योंकि ये पूरा गेम इंडिया में हो रहा है भाई, तो काफी मजा आने वाला है। और इस गेम की मेन कैरेक्टर है क्लोई फ्रेजर, जो अनचार्टेड 2 और 3 में आ चुकी है, और उनके अलावा नैडीन रॉस, जिन्हें आपने अनचार्टेड 4 में भी देखा होगा, वो भी इस गेम की मेन कैरेक्टर है। तो चलो अब देर नहीं करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं, और तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करवाए, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लो। आज बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि ये अनचार्टेड द लॉस्ट लेगेसी है। तो चलो शुरू किया जाए। बैकग्राउंड में अगर आप ध्यान से सुनोगे तो थोड़ा सा इंडियन म्यूजिक है। ग्लोई ने इंडियन कपड़े पहन रखे हैं, तो यही मेन कैरेक्टर है इस गेम की। That's when it's my favorite. It makes your eyes twinkle. Does it now? ग्लोई इस दुकान से अपने लिए कपड़े खरीद रही, और ये बच्ची शायद ओनर है दुकान की। Half price if you buy two. Wow. बच्ची बोल रही है कि अगर दो कपड़े खरीदती हो ना तो आधे प्राइस में तुमको कपड़े बेच दूंगी। You again? Is this your store? No, my father's. अच्छा, इसकी पापा की दुकान है। How much? 800 rupees, please. 800 rupees. Okay, for you, 550. Incredible. 800 से सीधा 550. So. बच्ची क्यूट भी और काफी तेज भी है। Does your father usually leave you here alone? No, he's away fighting the rebels. Okay, इसके पापा फौज में हैं। रेबल्स यानी कि विद्रोहियों से फाइट कर रहे हैं इसके पापा। The Indian army called him up, did they? No, he volunteered. Really? Well, if it was my choice, I wouldn't leave you here alone. All right. That's 300. Better deal. 400 rupees plus Ganesh. You don't want this. It's broken. See? You don't know the story? Ganesh fought Parashuram while standing guard at his father's door. Yes, to defend the honor of his father, Shiva, and got his tusk hacked off for his troubles. Interesting. Anyway, it's not for sale. Right on time. Okay, look. 600 rupees. You can keep the change. Hey, wait! Hey! You need a guide. Oh? And what'll that cost me? तो क्लोई के पास ना गणेश जी की मूर्ति है, तो उसको देखकर बच्ची ने बोला कि 550 की जगह 400 दे दो और साथ में ये गणेश जी की मूर्ति दे दो। तो क्लोई ने बोला ना कि देखो ये मूर्ति में गणेश जी का दांत टूटा हुआ है। तो बच्ची बताने लगी तुमको नहीं पता कि गणेश जी का दांत कैसे टूटा है। तो उससे पहले ही क्लोई ने बता दिया कि भगवान शिव ने गणेश जी को दरवाजे पे खड़ा किया था और बोला था कि किसी को भी अंदर आने नहीं देना। इस फर्स्ट एड के ट्रक पे चढ़ना है। Not for sale. क्लोई ने ना मना कर दिया कि वो गणेश जी की मूर्ति नहीं देगी। पहले ना उस ट्रक पे चढ़ते, उसके बाद फिर बात करेंगे कि आगे क्या हुआ था। बच्ची ने गणेश जी की मूर्ति ले ली है। What? Don't get me wrong. Decent technique on the lift. But I'd like my Ganesh back, please. Fine. बच्ची वापस कर रही है। ठीक है, मुझे लेना है। A for effort, kid. अब ये देखना है कि उस ट्रक पे कैसे चढ़ा जाए। पीछे से होके कोई रास्ता जाता है क्या? चलो सामने ही से चल के देखते हैं, क्योंकि और कोई रास्ता ऐसे भी नजर नहीं आ रहा है और दौड़ने का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है फिलहाल, यानी कि चल ही चल के जाना है। अच्छा, अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे सामान बिक रहे हैं, सही है। सामने ही ट्रक पे जाना है, लेकिन क्लोई जा नहीं सकती फिलहाल। Hello, lady. Great prices. Thank you. We're busy here. Oh, I've already got what I need. Thanks. बहुत सारे फौजी हैं वहाँ पे, ट्रैक पे तो चढ़ने देंगे नहीं। Do you work for CIA?
बच्ची बहुत तेज है, समझ गई कि क्लोई टूरिस्ट है, नहीं घूमने फिरने यहाँ पे नहीं आई है, कुछ कांड करने आई है। तो वही पूछ रही है कि क्या आप CIA के लिए काम करती हो? People aren't allowed across the bridge. It's too dangerous. Listen, kid. It's been really fun. You need to make yourself scarce. I have a spare bed in the store. 300 rupees. Best deal in all of India. Okay, no thanks. I need to get on this truck. Bad idea. The rebels, they hurt people. Listen, I need to help my friend, okay? Tell you what, when I get back, pizza's on me. Deal? Deal. बहुत ही ज्यादा चलाक बची थी, डिस्ट्रैक्ट करके क्लोई को मौका दे दिया ट्रक पे चढ़ने का। अच्छा, क्लोई बोल रही थी बच्ची को कि उसको अपनी दोस्त की हेल्प करनी है और ये ट्रक जा रहा है रेबल्स के इलाके में, यानी काफी खतरनाक होने वाला है भाई अभी। हाँ, तो क्योंकि भगवान शिव ने आदेश दिया था गणेश जी को कि किसी को भी अंदर आने नहीं देना, तो जब भगवान परशुराम आए तो गणेश जी ने आदेश मानते हुए उनको भी रोक दिया। तो भगवान परशुराम ने उनके एक्ट से गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया था, लेकिन इस बारे में और डिटेल में आगे बात करेंगे क्योंकि इसी पर पूरा गेम है। तो बेचारे जो फर्स्ट एड वर्कर्स थे उनको मार रहे ये रिबल्स। क्लोई कैसे तो बच के ट्रक से निकल गई थी, वरना भी रिबल्स से पकड़ा जाती क्लोई भी। अच्छा, इस बारी डायरी नहीं, इस बारी फोन है। सही बात है, बुक में कौन नोट्स लिखेगा भाई, जब फोन में सब कुछ स्टोर कर ही सकते हैं। तो अभी मेरा मिशन है इस रेड डोर तक पहुंचना। Better than nothing. Here we go. It's just an active war zone. Nothing you can't handle. ये एरिया ना एक्टिव वॉर जोन है, मतलब यहाँ आर्मी और रेबल्स के बीच में जंग चल रही है। ग्राफिक्स बहुत ही इंसेन बनाया भाई, अनचार्टेड 4 से ज्यादा खतरनाक ग्राफिक्स है इसका। डिटेलिंग देख रहे हो, वो भी PS5 में तो इतना इंसेन है। अगर PC पर ये गेम आ गया, आहा भाई, खतरनाक ग्राफिक्स आपको मिलेगा। ये क्लोई जिस भी दोस्त की मदद करने आई है ना, वो उसको यहीं पे मिलेगी। रेड डोर ढूंढना है मुझे, एक लाल रंग का डोर होगा, मिस नहीं कर सकता हूं मैं। ओ भाई, किसी ने बोला चलो चलो अंदर चलो। अच्छा, ये लोग थे। I've done nothing wrong! You damn spies. What? No! Shut up! Get out of here! Go on! Move it! Got the wrong man! I swear to you! I said get in the truck! Now! ये सारे rebels हैं, यानी कि बदमाश हैं। I don't have a choice. Yes, sir. You. Hey, hold on. What's your rush? How do I know you're not smuggling something in here? Arms up. Hey. Dangerous to be out so late. Hey, where do you live? What are you, deaf? Answer him. I said, where do you live? Out of the zone. I'm in the middle of something. It's been bad. Yes, sir. Meet me inside. Understood. ये मूछ वाला आदमी इन रेबल्स का लेफ्टिनेंट है, लेकिन इसके ऊपर कोई आसफ नाम का है। You with me? Man the gun. Sir, what about her? Just let her through. You heard him. Get going. उसको जल्दी जाना था, इसलिए क्लोई को जाने दिया, वरना भी यहाँ पे मार करना पड़ता भाई। Okay for them, I've got somewhere to be. Oh, सही है। क्लोई बोल रही है कि उनकी किस्मत अच्छी है कि उसको अभी कहीं जाना है, यानी कि रेड डोर के पास जाना है फिलहाल। क्या कर रहा है बोला क्या? मैंने तो यही सुना, रेड डोर दिख गया मुझे। रेड डोर, चेक। यही पे क्लोई की दोस्त मिलेगी या मिलेगा, मुझे लग रहा है नैडीन रोज इसकी दोस्त है, क्योंकि कवर पोस्टर में दोनों बनी हुई थी ना। रेबल्स की वजह से आम आदमी परेशान है, जो यहाँ रहते हैं सब भाग रहे हैं। और अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि रेबल्स को जिन पे शक भी हो रहा है ना कि वो जासूस हो सकते हैं, तो उनको घर से निकाल के मार रहे हैं वो लोग। अच्छा, ये मत सोचना कि मैं जानबूझ के चल रहा हूँ, दौड़ने का ऑप्शन आया ही नहीं है अभी तक फिलहाल। यहाँ से चढ़ के जा सकती है? नहीं, चढ़ने का ऑप्शन छोड़ो, अभी दौड़ने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, आगे तो जाना ही नहीं है। अच्छा, ये रहा, थोड़ा सा टूटा है, वहां से जा सकती है क्लोई।
यहाँ से थोड़ा और आगे होना चाहिए रेड डोर बस, लेकिन पहुंच ही गए क्योंकि अभी वहां से देखा था ना फेंस से। अब इन दोनों रेबल्स को साइलेंटली मारना होगा क्योंकि उसके बिना आगे नहीं जा सकते हैं, और साइलेंटली नहीं मारा तो मिशन फेल हो जाएगा। ये तो पीछे घूम ही के खड़ा हुआ है, एक गया और एक आई थिंक एली में गया है ना, अंधेरी में गया है। अरे ये भी पीछे घूम के खड़ा हुआ है। दोनों का सफाया कर दिया, आगे बढ़ा जाए रेड डोर की तरफ। Come along, friend. किसी की बॉडी खींच के ले जा रहा है, पता नहीं जिंदा है कि मर गया है। Yeah. This place up next. भाई लॉक पे किसमें मुझे ही करना है, ये पहले नहीं था। अच्छा ठीक है, नो थैंक यू। वाइब्रेट करने लगे तो वहां पे रोक के रखना है। एक और बात, खुल जा। हाँ ये नई चीज थी, ये पहले मैंने नहीं किया किसी अनचार्टेड में। क्लोई अपने फ्रेंड को बता रही है कि वो अंदर आ चुकी है, अब इस बिल्डिंग के रूफ पे जाना है। ठीक है, तो क्लोई के दोस्त ने ना मतलब रूफ पे तो आने बोला ही है, लेकिन साथ में एक कोड भी दिया है पिंक लोटस, उसका मतलब क्या है पता नहीं। पर फिलहाल अपना काम इतना है कि ये जो रिबल्स यहाँ पे भरे हुए हैं बिल्डिंग में, इन सबको पार करते हुए मारते हुए या बचते हुए रूफ पे जाना है अपने को। और क्योंकि अभी मेरे पास गन नहीं है और इन सबके पास कुछ ज़्यादा ही गन है और नंबर भी ज़्यादा है इनका, तो स्टेल्थ करना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन लग रहा है। अरे वाह, छत तक पहुँच भी गए क्या? ये डोर कहाँ लेके जा रहा है? यहाँ तीन चार आदमी है, सामने खिड़की खुली हुई, इसको मार सकते हैं, इसको मारना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। भागा जाए अब। ओ भाई ऐसा लग रहा है कि इंडियन आर्मी यहाँ पे पहुंच गई रेबल्स की वाट लगाने, और क्योंकि आर्मी आ चुकी है तो रेबल्स बात भी कर रहे थे कि यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए क्योंकि इंडियन आर्मी आ चुकी है। ओ भाई क्या आगे आगे कुछ खतरनाक टाइप का सीन दिख रहा था मुझे, धमाके वाला जोन। और भाई खतरनाक, इंडियन आर्मी का फाइटर जेट गया, खतरनाक बॉम्ब्स गिराने। रिबल्स ने जो भी अड्डे बनाए हुए ना सबको उड़ा रही इंडियन आर्मी। रिबल्स ने गलत पंगा ले लिया है, सबकी वाट लग रही है। अच्छा ही है, मेरा काम अब थोड़ा आसान होगा यहाँ से आना जाना। पिंक लोटस बोला था, छत पे आ गया लेकिन पिंक लोट, अच्छा वो पिंक लोटस, अच्छा इसके बारे में बात करी थी क्या? उधर ही जाना है, लैडर भी उधर ही है, चल के देखते हैं। Pink Lotus. Not what I was picturing. इसी के बारे में बात कर रही थी। मेरे को लग रहा है कि नेडीन रोस्टी इसकी दोस्त है। फिर मैसेज आया? क्या? शिफ्ट चेंज किसकी? ओ रूफ पे नहीं जाना है। इन रेबल्स की शिफ्ट चेंज हुई है, यही मैसेज था। You're in the wrong place, girl. फाइट करना है, अच्छा ठीक है। What the hell? ये रेबल्स भी चौंक गए कि लड़की इतनी फाइटर कैसे निकली। अभी इनको दिखाता हूँ कितनी खतरनाक फाइटर है। तू पीछे से वार करने आ रहा है ना? आ रहा है ये हरकत। नेडीन रोस आ गई, पता ही था। और आदमी लोग आ गए हैं, बिना गन क्या है, ये अच्छी बात है। चल मर जा।
hell was that? I thought you were a professional. Oh, you should relax. You'll live longer. Relax? It took me weeks to track down Asov. The man's as unpredictable as they come. He's just another warmonger with no war to fight. No, you don't know him like I do. He changes location and routines by the hour. We'd be foolish to take unnecessary risks. We? Let's get one thing straight. This is my gig. You want your share? We play by my rules. Chloe और Nadine Rose दोस्त नहीं है, साफ लग रहा है. दोनों लेकिन काम कर रही है साथ में. और Chloe ने समझा दिया कि अगर तुमको साथ में काम करना है, तो मेरे रूल्स के हिसाब से करना होगा. Nadine Rose जो कि इतनी खतरनाक थी Uncharted 4 में, अभी बात मान गई. He's the one with the beard. That's the spirit. तो ये रेबल्स का लीडर लगता है यही असाव है, जिनको ये लोग ट्रैक कर रही है, यही आदमी है. ये मेन विलेन है. Handsome. If you're into psychopaths. Nobody's perfect. Where's base camp? Top floor balcony. तो असाव से ये लोग कुछ चुराना चाह रही हैं, लेकिन क्या? यहाँ पे जाना है. All right. Let's do this. Had a street route all planned out, but they'll be looking for us now. What do you suggest? I'll think of something. तो Nadine Rose ने ना रोड से रास्ता सोच के रखा होता कि कैसे जाना है, लेकिन अब रोड पे वो लोग देखते रहेंगे, इसलिए रूफ टू रूफ जाना होगा. अब कहीं पे चढ़ने का देखना होगा. लैडर तो नजर आ रहा है, लेकिन काफी ऊपर है. बूस्ट अप. अच्छा, ये बूस्ट अप वाला Uncharted 4 से आया था. चलो ठीक है. Come on. I'll give you a boost up. There you go. भाई ये देखकर सैम और नेट की याद आ रही है सही में. मेरे लिए लैडर नीचे कर दिया. चलो थैंक यू Nadine. आगे बढ़ जाए. अच्छा, Nadine की आर्मी को खरीद लिया था ना रेफ ने, जो Uncharted 4 में मेन विलेन था. इसीलिए लगता अपनी आर्मी लेके नहीं आई. Now what? Patience. Up here. Really? Really? Nadine अभी फर्स्ट टाइम हीरोइन बनी है ना Uncharted गेम के अंदर. Nadine को पता नहीं ये सब ही करना पड़ेगा. अभी पूरा गेम पड़ा हुआ है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है. Nadine, आ जाओ. Careful on this one. You sure this is safe? No. Chloe को भी पता नहीं कि ये सेफ है या नहीं है, लेकिन यहीं से जाना पड़ेगा. असाफ के बेस कैंप में घुसना है, वहीं पर कुछ है जो इन दोनों को चाहिए. यहाँ से तो अच्छा लेज पे ठीक है. Come on, this way. You realize we're moving away from a Asov's den? Yeah, we're taking the long way. Now I see why you're always late. Nadine बोल रही है कि Asov का जो अड्डा है उससे दूर होते जा रहे हैं हम लोग. तो वही उस पे Chloe समझा रही है कि देखो थोड़ा लंबा रास्ता ले रहे हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंच जाएंगे. तो Nadine को अब समझ में आ रहा है कि क्यों Chloe लेट होती है, यही सब उल्टा सीधा लंबा रास्ता लेने की वजह से. अच्छा, आगे घास है और आगे आदमी भी है शायद. Just one more hour. I'll take him out. No, I got it. भाई तू पिंक लोटस तक तो नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि तू अभी मरने वाला है फिलहाल. अच्छा, रेबल्स ने देख लिया आदमी लोग को मरे हुए पिंक लोटस पास. इसको बुला रहे थे ना, ऊपर जाना है लेकिन कैसे. अच्छा, क्रेट ले जाके सेट करना है ऊपर चढ़ने के लिए. ये सब Uncharted 4 में सिखाया गया था. गेम प्ले अभी तक फिलहाल दोनों गेम्स के मुझे सेम ही लग रहे हैं. बस वो जो लॉकपिक वाला था ना, वो नया आइटम था, वो मैंने पहले नहीं किया था Uncharted गेम में ऑब्वियसली. Nadine आ जाओ. कहाँ? अच्छा, बुलाया है मुझे. कुछ देखा लगता है Nadine ने. Asov का अड्डा इधर है. That's where we need to be, but not getting through here without a blowtorch. So, now we improvise. I thought that's what we were doing already. Nadine और Chloe साथ में काम तो कर रहे हैं, लेकिन दोनों की जम रही नहीं आपस में. ये first time ऐसा हो रहा है कि starting ही में characters मतलब थोड़ा सा विश्वास नहीं कर रहे एक दूसरे के ऊपर. Uncharted में ऐसा होता नहीं है. Just exploring our options. Sit tight. वो ऊपर में crate रखा हुआ है क्या? उसको शायद नीचे फेंकना है, तब आगे जाने का रास्ता बनेगा अपने लिए. अच्छा, ये लोग कभी बूस्ट अप देते कभी नहीं देते, ये मेरी अभी तक समझ में नहीं आया. Well, she certainly lives up to her reputation. Chloe Nadine के बारे में बोल रही है कि जैसा सुना था वैसी ही है. यहाँ से नीचे नहीं जाएगा.
नेडीन ये लो और सामने वॉल पे हम लोग चढ़ सकते हैं। जो सेट करो इसको। ये पूरा फ्लोर ही टूट गया। Sorry about that. How about we avoid crates from now on? Okay, good deal. सही बात है। क्रेट्स अब यूज करने मना किया है नेडीन ने। एक रिबल बोल रहा है कि मुझे आवाज सुनाई दी, कुछ तो हुआ था, कसम खा के बोल रहा है। लेकिन वही होता है ना कि सब गलत फहमी में टाल देते हैं। अच्छा ऐसा ज्यादातर हॉरर मूवीज या गेम में होता है कि अगर किसी एक ने भूत देख लिया ना तो सब गलत फहमी में टाल देंगे। नेडीन पूछे क्लोई से कि काम के टाइम तो हमेशा इतना ही बात करती रहती हो, तो क्लोई बोली हाँ मैं हमेशा करती हूँ बात, लेकिन अनचार्टेड 3 में इतना बात नहीं करती थी क्लोई। क्लोई के ऊपर एक आदमी, उसको टेक डाउन करना है पहले। One less problem. यही बिल्डिंग में असाफ कड्डा है लेकिन ऊपर है। It's just above us. See, that wasn't so bad. It wasn't. वहीं से ये दोनों कुछ उठाने जा रही हैं, जो कि अभी तक पता नहीं चला है क्या उठाने वाली ये दोनों। ये मेन विलेन है कंफर्म असाफ, क्योंकि इसको मैंने कवर पोस्टर में भी देखा था। ये बिल्कुल नया चीज है। वाइब्रेट होने का इंतजार। हाँ चलो ठीक है, दूसरा मिल गया। नेडीन नेडीन से वेट नहीं हो रहा था, किसी तरह की डिस्क खोज रही है दोनों। Thank you very much. Watch our backs, yeah? Yeah. Crossed. It's like walking through an antique shop. He's been a busy boy. How much do you think it's all worth? Enough to keep his little insurrection going for quite some time. वे जो भी सामान रखा हुआ है ना सब बहुत ही कीमती है, क्योंकि इन सबको बेचकर असाव अपने रेबल ग्रुप को फाइनेंस कर रहा है। फिलहाल तो अपने को डिस्क खोजना है, ये आगे क्या दिखा रहा है। I'll just borrow this. पीछे भी कुछ बना हुआ है क्या? नहीं। Fraser, come here. That looks promising. It's locked. Not for long. बॉक्स के लॉक को खोलना होगा, इसके अंदर डिस्क हो सकता है। What was that map? Western Ghats, Hoysala territory. Shit. No, it's all right. Nothing we didn't already know. मैप पर वेस्टर्न घाट्स बने हुए थे, जिसको सुनकर नेडीन परेशान हो गई। लेकिन फिलहाल तो इस लॉक को खोलना है। दूसरा मिल गया, एक और खुल गया। नेडीन आ जाओ, देखें क्या है इसमें। नेडीन आराम से, आग लग जाएगी तुरंत। That's beautiful. ओ भाई आ गया। क्लोई ने डिस्क ले लिया है। असाफ मेन विलेन नेडीन रॉस, ये जानता है नेडीन रॉस को। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। केयरफुल ब्रदर्स, दिस टाइगर्स गॉट क्लॉज। असाफ, ओह ऑल दीस इयर्स एंड यू हैवंट एज्ड अ डे। यू टू कांट। आर यू लुकिंग फॉर वर्क? I hear that Shoreline's under new management. Temporary setback. Nothing I can't handle. Of course, of course. Pidgey, though. My men and I could use someone of your caliber. Asaf बोल रहा था नेडीन रोज को कि अगर तुमको काम चाहिए तो बोलो, मैं दे देता हूँ। ऐसे भी तो तुमको Shoreline Army से निकाल दिया गया है। लेकिन नेडीन ने मना कर दिया। Why are you here? I mean, this isn't your area of expertise. It is a nice collection, I must say. Chloe Fraser, collector of antiquities. A thief? You're working for a thief. Sir, we have a situation. Chloe को चोर बोल रहा है साहब, और नेडीन को बोल रहा है कि तुम चोर के लिए काम कर रही हो। I'll be right there. इसको पता चल गया कि इसकी पूरी एक टीम मर चुकी है। The disc. Oh, right, about that. At first, I mistook you for just
an average rebel. Oh. But you have managed to find the Hoysala Empire. That's not bad. Their greatest treasure, the Task of Ganesh. Now that's not an easy find. What are you doing? 3 Persian invasions, 3 separate wars, and all these years later, no one has found it. We're close. You're lost. And the only chance you have of even narrowing down its location is to find someone who can help you crack this artifact. Chloe Asaf ke liye kaam karne ke liye taiyar ho gayi hai. Someone with an extensive knowledge of Hoysala society. Exactly. An expert in their culture and history. My rates are reasonable. A parasite who exploits our struggle in order to fatten her pockets. So that's a no. Felt like a no. You've got balls. I like that. But I don't need any more so-called experts. Shoot them. Throw them in the river. No need. We'll throw ourselves out. Oh, bhai saab! भागना है अच्छा भागना है ठीक है रिवर के पास पहुंचना है जल्दी भागो हेल्थ जाने लगी अगर गोलियां पड़ी तो वो लोग चोर चोर चिल्ला रहे भाई रेबल्स बताओ नेडीन मेरे पीछे या नेडीन कहीं और से कल्टी हो गई यार पीछे उतर के भागो जल्दी इधर से रुक जा भाई वो मुझे लगा मैं नीचे गया ब्लैक एंड व्हाइट कर ही दिया था बस मैं मरने ही वाला था जो रास्ता मुझे दिख रहा है सामने मैं भागे जा रहा हूँ ये टूटेगा मेरे को पता था ये लकड़ी देख के ही मैं समझ गया था What the hell was that back there? Messy but effective. You were going to sell me out, weren't you? It's called improvisation. God, who's being unprofessional now? What the hell is that supposed to mean? It means you let Asav get the jump on us. I'm starting to wonder whether you're worth the 50%. I knew it. You were going to give me up. This Olympic can't change her spots. You know nothing about me. Fair warning. Last person who betrayed me wound up dead. Oh, bhai. Riff. Yeah? And your guy better be there. Shit! Yeah, well, time to go. Come on! Right behind you. तो नदी के पास नेडीन रोज का कोई आदमी इंतजार कर रहा है लेकिन वहां तक पहुंच पाएंगे तब ना नेडीन नहीं भी बोलती तब भी मैं जंप करने ही वाला था थैंक यू नेडीन बचाने के लिए ओहो आदमी लोग आ गए ये लोग गन लेके नहीं आया लेकिन गन लेती आते अरे 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 नेडीन भाग रही है नेडीन 50-50 पार्टनरशिप खुशी बनाने के भी टाइम नहीं है जल्दी भागो यहाँ से यही से कोई गोली चला रहा था अभी अरे रुक जाओ पागल हो रुक जाओ यहाँ से नहीं जाना है बस मरने ही वाला हूं मैं लेकिन तार दिख गया मुझे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता इसमें एक्चुअली येलो कलर का हो जाता है मरने से पहले नदी तक पहुंचूंगा मैं अच्छा पीछे छूट रहा है उनसे ठीक है यहां से कहा जल्दी नेडीन अरे ये रहा सोचने का भी टाइम नहीं दे रहे भाई ये लोग पहुंच गए ये भी टूटा रेबल से फिलहाल दोनों बच गई हैं यहां से भी गोलियां चलाएंगे क्या अब नहीं लगेगी गोली अच्छा तो असाम ना होसला एम्पायर में गणेश जी का टूटा हुआ दांत खोज रहा था और जो डिस्क लिया ना क्लोई ने उसी को अनलॉक करने से ना होसला एम्पायर में पता चलेगा कि गणेश जी का दांत कहां पर है
अच्छा, जिस एक्ट से भगवान परशुराम ने गणेश जी का दांत तोड़ा था ना, वो भगवान शिव जी ने दिया था भगवान परशुराम को, और इसी वजह से गणेश जी ने हथियार का वार सह लिया, क्योंकि उनके पिता का हथियार था वो, और उसका अपमान नहीं हो इसलिए गणेश जी ने अपना दांत टूटने दिया था। How are we going out there? On schedule. Should hit land in about an hour. Great. Chloe disc unlock करने की कोशिश कर रही है। The tusk of Ganesh. No wonder the Hoysala capital was ransacked. Look at this thing. Any luck? I don't need luck. I'd say we can use all the luck we can get. Are you still hung up on Asav's so-called expert? Don't worry. If Asav's not in the gets already, he'll be right on our heels. Plus, he's got weapons, transport, hundreds of men. Chloe ने अनलॉक कर दिया है, ठीक है? Like I said, don't worry. Looks like some kind of key. Maybe. Let's see. Okay. ये डिस्क किसी तरह की चाबी है। The trident was Ganesh's weapon. The bow and arrow was Parashurama's, and the axe was a gift from Shiva. तो गणेश जी का हथियार है त्रिशूल, और भगवान परशुराम का हथियार है तीर और धनुष, और शिव जी ने गिफ्ट दिया था एक्स। The battle. What? The battle in which Ganesh lost his tusk. I bet we find these symbols. We find the tusk. Not bad, Fraser. तो इन तीनों हथियारों के सिंबल्स को खोज दिया ना, तो गणेश जी का दांत मिल जाएगा। You thank my dad for that Hindu myths were his thing. It rubbed off. He must be proud. तो क्लोई को इस बैटल के बारे में क्लोई के पापा ने बताया था। Sun's almost up. I'll go get ready. क्लोई अपने पापा के बारे में सुन के काफी उदास हो गई है। Nice work. ये गणेश जी की मूर्ति ना पक्का क्लोई के पापा की होगी या फिर इसके पापा ने इसको दी होगी। असाफ को भले ही नहीं पता कि गणेश जी का दांत कैसे खोजना है, लेकिन उसको पता है कि कहां पर खोजना है, तो ऐसा लग रहा है कि वो भी यहां पे आने वाला है। वैसे काफी अच्छी लोकेशन है। Okay. Nice view. साड़ी नीचे लगा के ये दोनों ऊपर क्या चेक करने आई है। And look. How weird. अच्छा, नेडीन रोज क्लोई को ऊपर लेके इसलिए आई है चेक करने के लिए कि ये दोनों सही जगह पे आए हैं या नहीं। I'm sorry, I doubted you, Chloe. This Hoysala? Hoysala. It's not a modern structure, so we're definitely on the right track. तो ये दोनों Hoysala Empire में आ चुकी हैं। What? I don't like it. You don't like anything. No. We've gone nearly 100 kilometers with no sign of Asav. Glass half full. Maybe we got the jump on them. Unlikely. I'll find the tusk. Asav's on you. Understood. Asav ke aadmi log nazar nahi aaye, isliye Nadine ko tension ho rahi hai. Meet you back at the car. Yep. Nadine niche car ke paas intezar karegi, lekin yahan pe kuch karne ka aa raha hai. Chapter 3 Homecoming. Spider-Man ka to nahi hai na. Amazing landscape. अच्छा, कोई भी अच्छा लोकेशन दिखेगा तो फोटो खींच सकते हैं। तो चलो नीचे चलते हैं जीप के पास और अपनी खतरनाक जर्नी स्टार्ट करते हैं नेडीन रोज के साथ। नेडीन ने इतना पीटा है ना अनचार्टेड 4 में, सोचा नहीं था कि इसके साथ टीम अप करके गेम खेलना पड़ेगा, लेकिन चलो अच्छा ही है। टूटा कोई और रास्ता ढूंढना होगा। I'm fine, by the way. मैं समझ गया, रस्सी फंसानी है ना। हाँ, अनचार्टेड 4 बहुत दिन हो गया खेले हुए, लेकिन अभी भी भूला नहीं हूँ। जब सेफ रहेगा तभी जाना है। हाँ, you still down there? Yep, still here. Great, just checking. Here, give me your hand. I'm good actually. Okay. Chloe खुद से चढ़ गई, हाथ नहीं दिया नेडीन को। Want me to drop? Nope. I don't mind. I do. It's a control thing. Sure. टेंशन दोनों के बीच में फुल ऑन है। तो चलो फाइनली जर्नी की शुरुआत करते हैं। Let's just enjoy the serenity, shall we?
Got a dumb question. So much for that. How do you know the tusk is still there? It would have turned up in a museum or something by now, right? Plus, I haven't seen any Hoi Solar exhibitions. I've never even heard of the Hoi Solar before this job. Yeah, well, that's the fault of their last king, really. Young, reckless, flaunted his empire's wealth, built a new capital to house the tusk, and then led the Persians right to their doorstep. अच्छा तो नेडीन पूछ रही थी क्लोई से कि तुमको कैसे पता कि अभी भी गणेश जी का दांत होयसला एम्पायर में होगा। Hey, look, Flamingo Convention. गाड़ी के जंप से देखा पंछी सब उड़ने लगे। तो वही क्लोई बता रही थी कि अगर गणेश जी का दांत किसी को मिल गया होता तो पता चली जाता, और प्लस की क्लोई ने कभी सुना नहीं कि होयसला से कुछ भी लाया गया है जो म्यूजियम में रखा गया है, तो इसलिए वही पे होना चाहिए। Quite nice to be outdoors, isn't it? Away from the city. Quieter. You come back here often? No. Not really. तो क्लोई बोल रही है कि अच्छा लग रहा है शहर से बाहर आ गए हैं। तो उसी पे नेडीन रोज बोल रही है कि हाँ अच्छा ही है, शांति है यहाँ पर। Look at this. Hoi Solar ruins. When we get through that gate, I'll check it out. गणेश जी और महादेव बने हुए हैं। इस डोर के पीछे जाना है, लेकिन डोर लॉक है। Your capitals. What have we got? Halabadu and Balur. I thought these were Ganesh and Shiva. Someone's been paying attention. Ganesh was the guardian of Halabadu, the newer of the Hoi Solar capitals. Shiva was the guardian of the former capital, Balur. And the stonework is beautiful. But this isn't much of a defensive wall. Sculptor's quarters, by the look of it. We're still on the outskirts. Didn't take you for an archaeologist. That would be my dad, actually. I'm just a thief, remember? Hey, there's the rental equipped with a winch. Looks that way. Great. That'll make short work of these gates. What, you're just going to pull them down? That's the plan, unless you brought dynamite. This is your gig. Take that as a no. गाड़ी में लगी विंस से ना दरवाजे को खींच के तोड़ना है। अच्छा, होयसला की पुरानी राजधानी बेलूर के रखवाले भगवान शिव जी थे, और उसकी नई राजधानी हालेबिदु के रखवाले गणेश जी थे। विंस को खींच के ले आना है, वहां पे फिट करना है। अच्छा, क्लोई ये भी बोल रही थी ना कि ये लोग अभी होयसला एम्पायर के बाहरी एरिया में, ज्यादा अंदर नहीं पहुंचे हैं। चलो इसको यहाँ पे फिट किया जाए। Right. That should do the trick. असाफ के आदमी लोग आ चुके हैं, गोली चलानी है फाइनली इतने देर के बाद। स्टार्टिंग है तो अभी हैंड गन ही रहेगी अपने पास। इन सब की गन्स उठाऊंगा मैं। नेडीन हाथ पैर से लड़ने चली गई थी। वाह नेडीन, अब तुम लोगों के गन्स किस काम आएगी, मर तो चुके हो। चलो सबकी गन्स उठाई जाए, उसके बाद दरवाजा तोड़ना है। नेडीन भी तोड़ सकती थी पर मेरा वेट कर रही है। Right. Where were we? You were about to pull down an ancient gate. Yeah, I was. And there we go. ये तो अभी आदमी लोग आने शुरू हुए हैं। जितने अंदर जाते जाऊंगा भाई उतने ज्यादा आदमी मिलते रहेंगे। You're awfully quiet. I'm just surprised is all. Figured you'd be more of a leave no trace type when it comes to Indian runes. Sentimentality in this line of work get you killed. क्लोई बोली कि जो हम लोग काम करते हैं उसमें अगर इमोशंस यूज करेंगे ना तो मर जाएंगे। इसमें ये बताना बहुत मुश्किल है कि सही जा रहा हो या नहीं। They're just large flying rodents. Actually, no, they're not. Yeah, they are. They're closer to primates and lemurs. Okay, well, I'll look it up. There we go. इन कीचड़ पे याद है ना कैसे चढ़ना है? छोटे छोटे जो बीच बीच में पत्थर होंगे ना उस पे जाते जाना है। ऊपर पहुंच गए हैं। Made it. ये लोग बात करते रहेंगे ना तो कंफर्म होते रहेंगे कि सही जा रहे हैं, तो लग तो रहा है कि सही जा रहे हैं फिलहाल। नेडीन ने रुकने क्यों बोला है? कुछ गड़बड़ कर दी क्या? असाव आ चुका है यहाँ पर। Well spotted. Shit. He's brought a whole battalion with him. Might even be more inside already. Hey, I'm flattered that he's taking us so seriously. We need to get through that gate. All right, we'll slow down. We gotta take care of these jokers first. You have a plan?
Sure. तो असाफ जिस गेट से गया उसी गेट से अपने को भी जाना है, लेकिन वहां से जाने से पहले इन सबको ठिकाने लगाना होगा। तो लास्ट मैंने अनचार्टेड 3 खेला था जिसमें स्टेल्थ मिशन करने ही नहीं देते थे ये लोग, लेकिन आज स्टेल्थ करने वाला हूं भाई। असाफ के आदमी लोग इन दोनों के बारे में ही बात कर रहे हैं, बोल रहे कि गार्ड पे रहो, कभी भी कांड हो सकता है, कांड होना स्टार्ट। अच्छा, किसी को शक हो गया है, येलो मतलब शक, ऑरेंज मतलब कि कंफर्म हो गया है, फिर गोलियां चलनी स्टार्ट हो जाएंगी। येलो ठीक है, अभी इसके शक को यकीन में बदलता हूं, आ रहा हूं। दो डाउन और पता नहीं और कितने सारे हैं, दो तो नीचे ही घूम रहे थे, इधर भी एक है। ओ देख लिया मैंने, अभी मैं रस्सी लगा के जाने वाला था। हाँ नीचे झांक, स्नाइपर है इसके हाथ में। ओ भाई स्नाइपर उठा सकते हैं, लेकिन अभी साइलेंटली करना है इसलिए गोली कोई जरूरत नहीं मुझे। नीचे उतरा जाए, ये कहां से आ गया? ओ भाई वो तो मैं स्क्वायर स्क्वायर दबाए जा रहा था, अभी कांड हो जाता। ऐसी जगह खड़ा तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा था, नीचे दो आदमी घूम रहे थे ना, उनको भी खोजा जाएगा पहले, यहाँ पे देखा जाए। कोई नहीं, सन्नाटा है, ऐसे भी किसी को आगे नहीं आने देना है, दो दो आदमी की लाश पड़ी हुई है, पता चल जाएगा उन लोगों को। अच्छा ये आगे ही जा रहा है, अगर ये आगे चला गया ना मेरा गेम बच जाएगा, पता चल जाएगा कि मारा है मैंने, तो तुम मर जा, आगे मत जा। और कोई है? ट्रक के अंदर एक खड़ा हुआ है, ट्रक के अंदर कब से खड़े रहने लगे ये लोग। व्हाइट मतलब हल्का डाउट हो रहा है, येलो मतलब बहुत ज्यादा, और ऑरेंज मतलब तो बता ही दिया, कंफर्म हो गया है। अच्छा इस बॉक्स में इनकी सप्लाईज है, गन्स होगी अच्छी अच्छी, और तो कोई नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसे इन लोगों ने बोला नहीं कि गेट से जा सकते हैं, तो मुझे लग रहा है कि और दो आदमी जो नीचे है ना उनको एक बार चेक कर लेता हूं। गन निकालते निकालते कोई गोली नहीं मारने लगे, खुल जा जल्दी, आखिरी ही है। देखिए भाई इसके अंदर क्या है, ओके पिस्टल में साइलेंसर लगा हुआ है, तो इसका भी यूज करके अपन साइलेंटली मिशन कर सकते हैं, लेकिन मैं गोली नहीं चलाऊंगा जैसा मैंने बोला, फिलहाल बस इस एरिया में, इसके बाद चला सकता हूं, फिलहाल बस यहां के लिए बोला है। दो आदमी जो नीचे घूम रहे थे, ये एक तो मिल गया, एक और कहां, इसका साथी कहां गया? इसी गेट से जाना है अपने को, और ऊपर में एक आदमी भी है, बहुत बढ़िया, ये देख लेगा मुझे, नीचे ही झांक रहा है, लेकिन मैं इस साइड छुप गया, अभी तक देखना हो तो देख लेता। यहां से इसको गोली मार सकता हूं, लेकिन मैं चढ़ के जाके मारूंगा भाई, जब सबको साइलेंटली मारा है तो तू भी ऐसे ही मरेगा। ऐसे आप लोग कमेंट करके बताना कि ज्यादा साइलेंटली या फिर ज्यादा बूम बम क्या चाहिए आप लोगों को। अरे कंफर्म तो करो सारे खत्म हुए या कोई बचा हुआ है, गेट खोला जाए। नेडीन कार लेके नीचे जाएगी, और क्योंकि मैं डोर से ही चढ़ा था तो यहां से तो नीचे नहीं उतर सकता, लेकिन हाँ सामने डोर खुल गया है, ठीक है इससे उतर के जाना है मुझे नीचे। नीचे, ओ गाड़ी नीचे ही है। क्लोई नेडीन को गाड़ी नहीं चलाने दे रही है, और क्लोई ने ये तो बोली दिया है कि ये मेरा मिशन है तो चुपचाप से मेरे हिसाब से काम करो। It's a lot of ground to cover. True, but unlike your boy Asav, we've got an advantage. The three symbols. Let's have a look at the map. Okay, let's see. We are right about here. I can mark it up as we go. Map में सिर्फ एक टावर नजर आ रहा है, तो चलो वहीं चलते हैं। Check out that tower. Bet you could get the lay of the land from the top. Maybe. नेडीन भी उसी टावर के पास चलने बोल रही है। ऐसे भी मैप में और कुछ बना ही हुआ नहीं था, और जाते कहाँ? बहुत बड़ा ही एरिया और ओपन वर्ल्ड भी है, आराम से भटक सकते हैं यहाँ पर। Okay, I'll keep an eye out for a soft. Perfect. It's not that I'm too worried about it, no. You should be. We won't have the advantage of surprise again. I don't think he was expecting much from you. Wait, was that a compliment? That sounded like a compliment. His guys are idiots, but Asav is... We just need to stay the hell away from him. Nadine bata rahi hai ki Asav kitna khatarnak hai. Where are you going? Want to climb it with me? I really want to, but...
Someone to keep watch for Asaf's forces. Good call. Up and away. तो नेडीन नीचे रह के नजर रखेगी कि असाफ के आदमी लोग तो नहीं आ रहे हैं और क्लोई ऊपर जाके चेक करेगी टावर से कि अब कहाँ जाना है क्योंकि इतना बड़ा एरिया है ना तो समझ में नहीं आ रहा है कि इसके बाद कहाँ जा सकते हैं। जब सेफ रहेगा तब कूदना है। ये सब कर चुके हैं अनचार्टेड 4 में, लेकिन हाँ अनचार्टेड 4 से ज्यादा अच्छा ग्राफिक्स है इसका। फिलहाल तो ठीक है क्लोई, लेकिन नीचे से आके आदमी लोग गोली नहीं चलाने लगे या पहले से टावर में कोई आदमी नहीं हो। पूरा ऊपर क्लाइम करना होगा मुझे, मैं समझ गया। ओहो, मैं सोच ही रहा था कि कहाँ जाना है। ठीक है, नेडीन को क्लोई की परवाह थोड़ी है अभी। मतलब अगर क्लोई मर गई तो नेडीन को टेंशन ये है कि उसको 50% फिर कौन देगा और उसकी मदद कौन करेगा। Here's our three symbols. Well, that took less time than I expected. तो भगवान परशुराम का तीर और धनुष। Parashurama's bow. Let's see here. Aimed right at those Hoysala ruins. It's an old fortress, sitting smack dab in the middle of the lake bed. I'll jot a bow on the map in that spot. भगवान शिव ने जो दिया था परशु, इसको भी खोलना है। Let's see what's behind the axe door. Another old fortress, tucked into the mountainside. I'll just mark that on the map with an axe. तो दोनों डोर से दो किले नजर आए जिनको मार्क कर लिया है क्लोई ने मैप पर। इसके पीछे क्या है? Huh. Wonder what that could be. For future reference. क्लोई को समझ में नहीं आया कि वहाँ पे क्या है। पता नहीं इसको क्या मार्क किया है। और ये गणेश जी का त्रिशूल, इसके पीछे तीसरा किला होगा। Last but not least, the trident. And another old fortress. Just beyond those waterfalls. Trident mark on the map for you. मुझे लग रहा था ना कि कूद के जाना होगा, लेकिन नहीं, डायरेक्ट जा सकते हैं। डायरेक्ट आने का भी तो नहीं था क्या? Guess I should have looked for a call button before climbing up. वही मैं भी बोल रहा था कि ऊपर आने का भी कुछ होना चाहिए था। इतना मेहनत कर दिया बेकार कर क्या? तो यहाँ पर ना तीन किले मार्क किए हुए हैं, तो एक एक करके जाना है। स्टार्ट करते हैं फिर, फर्स्ट किले में चलते हैं और देखते हैं कि वहां पे क्या है। Was it worth the climb? And then some. Found the three symbols. Really? Yep. Each one was pointing towards a different fortress. Those will be the best places to look. Perfect. मैप पे चार जगह जाने के लिए तीर और धनुष के जिस किले पे मार्क लगाया है ना, उससे स्टार्ट किया जाए जो कि लेफ्ट साइड में है। काफी मेहनत होने वाला है इस गेम में। चलो स्टार्ट किया जाए फिर। Never understood the appeal of people like Asaf. Easy. He finds men who are weak and offers them power. Gives them purpose. Purpose. More like bullshit to me. मैप एक बार फिर से देखा जाए, सही जा रहा हूँ? हाँ, ठीक है। How'd you get tangled up with Asaf anyway? Purpose? Not enough for you. He certainly seemed to have a thing for you. Don't remind me. Proved useful at the time, but yeah. Do tell. Rather not. Maybe over drinks. Not enough alcohol in the room. क्लोई बोल रही है नेडीन को कि तुमको तो पसंद करता है असाफ, तो वही नेडीन बता रही कि एक टाइम पे मेरे काम आया था लेकिन उसके बारे में बात ही नहीं किया। तो नेडीन इस बारे में आगे बात नहीं करना चाहती है। नेडीन इस गेम की मेन कैरेक्टर है, लेकिन मैं अभी भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि याद है ना, नेट को मरने के लिए छोड़ दिया था। असाफ के आदमी आसपास हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल नजर तो नहीं आ रहे। ट्रक लेकिन खड़ा हुआ है और वहाँ पे सप्लाईज भी हैं। इंटरेस्टिंग सर्कुलर मोटिफ लाइक द डिस्क। We're definitely in the right place. इसके अंदर से आरपीजी निकल जाए, असाफ के आदमी लोगों ना फोड़ा जाएगा फिर। चलो फर्स्ट खुल गया है, सेकेंड हो गया, एक और आरपीजी प्लीज। क्या है? अरे अच्छी गन है, लेकिन आरपीजी मिल जाता तो फिर क्या ही मजे थे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ा जाए। यहाँ गाड़ी तो नहीं चढ़ा सकते हैं। Look up there. Parashurama's bow matches the symbol in the tower. So
Parashurama. 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 Who is he again? Okay, sixth avatar of the god Vishnu. A fearsome warrior. Right. Still wrapping my head around it all. तो भगवान परशुराम का यहाँ पे तीर और धनुष का सिंबल बना हुआ है, यानी कि सही जगह पे आई ये दोनों। इसको भी तोड़ना है अंदर जाने के लिए। नेडीन मतलब यहाँ तो गाड़ी चला ही सकती थी, लेकिन लगता है क्लोई ने बिल्कुल चलाने से मना ही कर दिया है। वाह क्लोई वाह, ऐसा भी मत करो नेडीन के साथ, पक्का इन दोनों में कुछ कांड होगा आगे जाकर। okay. What do you suppose this place was? Hard to say. A fortress? Not the right layout for a temple. Nadine पूछे कि ये जगह क्या रही होगी, तो वही कोई जवाब दे रही कि ये कोई किला हो सकता है, क्योंकि मंदिर जैसा तो नहीं लग रहा है। सामने कूदना है। अरे। Nice to be out of that shithole finally. I was starting to think the boss was all talk. I'd watch your mouth. नीचे मत झांक। देख लिया इसने। ओ भाई नीचे ही झांक रहा, मैं जाऊंगा कैसे? एक गया। भाग मत। अरे भाग गया यार वो। झांक। मुझे ही ऊपर जाना होगा। ये देखो। दो दो सेकंड करके झांक रहा है। भागने से पहले ही मार दिया इस बारी। That's it. We're clear. Probably alerted the others. Can't be helped. Come on. अभी के लिए रास्ता साफ है, लेकिन जो भी आसपास लोग होंगे उनको भी पता चल गया होगा कि ये दोनों यहाँ पे आई है। अच्छी गन भी नहीं रखता है, क्या बेकार आदमी है। आ जाओ नेडीन। आते के साथ देखिए मनुष्य जाग। ये छुपने वाली आदत कब से सीख ली? बड़े बदतमीज आदमी है, एक गोली खा के छुप जा रहे हैं। झांक ना, मैं ऊपर आ गया ना, बहुत गंदा होगा फिर, टाइम वेस्ट करवा रहा है मेरा। नेडीन तुम ही चली जाओ ऊपर, मैं कवर देता हूं ना। झांकता भी नहीं, क्या फालतू आदमी। मर, उसकी टोपी गिर गई लेकिन वो नहीं गिरा। मैं आ रहा हूं, ऊपर आ रहा हूं। अब पता नहीं कहीं और से आके मारेगा। चलट नीचे जा, मैं खराब करके रखा हुआ है तब से। और ओ एक और आया। Okay, we're all clear. Won't be the last. There's a big truck parked out front. We'll keep our eyes open. तो जो ट्रक बाहर लगा हुआ था ना, उसे उतर के आदमी लोग यहाँ आ गए। Not much we can do. Besides, doesn't matter who starts, only who finishes. लोई बोरी क्या साहब, भले ही पहले शुरू किया लेकिन खत्म हम लोग पहले करेंगे। What is it? A shrine? Don't think so. Don't see any deities hanging about. Let's find a way up. ऊपर जाने के लिए रास्ता ढूंढना होगा। रस्सी अटकाने का तो आ गया। नेडीन आ जाओ। बोला था ना अनचार्टेड बस शुरू हुआ था उस टाइम, अब ये सब तो करना ही पड़ेगा। आ ही रही है नेडीन भी। यहाँ से ओ अच्छा। I see them, but they don't see us. इस बार ही साइलेंटली नहीं किया जाएगा, एक बार मैं कर चुका हूँ, आज साइलेंटली। इनके साथ मस्ती की जाए। ग्रेनेड चार चार हैं, एक फेंका जाए, दो आदमी एक साथ। How are you so relaxed? Didn't you hear those gunshots? मुंह पे लगा उसका ग्रेनेड। Shit, we are not alone. अच्छा देखा नहीं अभी तक, देख लेंगे, क्योंकि मैं ग्रेनेड इतना फेंकने वाला हूँ ना। Start a search. आ जा, खोज। जाके खोज तू। ये मैंने बहुत मिस किया अनचार्टेड 4 के बाद, घास में से छुप के ग्रेनेड फेंकता हूं। मर जा। देखा नहीं इसने अभी तक? अरे भाई इनकी किस्मत भी खराब है। गोली चला के डायरेक्टली मैं दिखा सकता हूं, लेकिन मैं पहले स्नाइपर वाले को देख ले रहा हूं एक बार, क्योंकि स्नाइपर बहुत परेशान करता है। दो आदमी एक साथ घूम रहे, ग्रेनेड फेंक सकता हूं, लेकिन आगे चला गया एक। धत तेरे की। हाँ देखो स्नाइपर एक टावर के ऊपर खड़ा हुआ है, देख लिया मैंने उसको।
मेरे राइट में मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है, कौन है? बहुत लोग हैं, एक दो कोई थोड़ी है। होशते रह जाओ, तुम लोग को नहीं मिलने वाली। सबसे पहले ना स्नाइपर को मारो, ऐसे भी सबको पता चल ही जाएगा। इतना खतरनाक ये आ रहे हैं इन लोगों के पास कि दो दो गोली मुझे डाउन कर दे रहे हैं। ग्रेनेड देख के चिल्लाते हैं लेकिन भागते नहीं है, भागा भी करो। हाँ ठीक है, बोल लिया। ओ शॉटगन लेके आ रहा है, इसका शॉटगन बहुत पावरफुल है। मेरे पास भी ग्रेनेड है, ऐसा नहीं है। और कोई तो बचा था, इधर भाग रहा था मेरे राइट साइड में। खत्म, और कोई है? That's it. The site is secure. Yes, it is. Press on. Just what I was gonna say. तो ये साइट फिलहाल सिक्योर्ड है, सारे आदमी जो भी यहाँ आए थे ऐसा लग रहा है कि मर गए, पर बड़ा सा ट्रक आया था, इतने ही आदमी आए होंगे। एक ट्रक में कितने आदमी आते होंगे इसके अंदर? यहाँ पर मुश्किल से 6 या 7 होंगे, और आने से पहले 4 को मारा, तो इतने ही आए होंगे ट्रक में शायद। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, इससे डोर खुलेगा। Some kind of mechanism. भाई स्नाइपर उठा लिया, आगे काम आएगी, फिलहाल डोर खुला जाए। लेकिन कौन सा डोर खुलेगा ये नहीं पता है। Here we go. That should do it. सामने से जाना है, ठीक है। ग्रेनेड नहीं है किसी के पास, चार्जर था, मैंने वेस्ट कर दिया यहाँ पे, लेकिन मजा आया काफी। कहाँ लेके जा रहा है ये एरिया अपने को? टूटा, बस बस बस। रास्ता तो बीच में ही टूट गया, तो क्लोई को घूम के जाना होगा। Beg your pardon? Fine. अच्छा, अनचार्टेड 4 में नेडीन रोज ज्यादा खतरनाक थी, नहीं अभी? मतलब जब से आई थिंक शोरलाइन आर्मी इसके हाथ से गई है ना, तब से ये थोड़ी मतलब शांत हो गई है। Okay, guess this isn't the way in. कहां से नहीं जाना है, तो फिर कहां से? अच्छा टूटना मत। There you are, having fun. हाँ नेडीन, बहुत मजा आ रहा है। एक गलती और नीचे डायरेक्ट मौत। गाड़ी देख रहे हो कहाँ पे लगी हुई है, बहुत ही नीचे। Nearly there. Made it. Impressive. Thanks. Come on. आ जाओ नेडीन, देखते हैं यहाँ पे क्या है। कुछ तो है। Well, looky here. What are you willing to bet? Told you it's some kind of key. Gold star for you. ओ भाई, की लगाना इसमें। Let's see what it does. What is it? Ancient horsehair jigsaw puzzle. इसको सॉल्व करके तीर और धनुष बनाना है मुझे। Of course, I'm making a bow. ऑलमोस्ट बन ही गया है, बस इसको सेट करना है। हो गया। Look at that. Parashuram. Now what? Now I guess we turn this crank and see what happens next. Think it's safe? You know that treasure hunting is not a good gig for the risk of us, right? Neither is being a mercenary. Difference is when I pull the pin on a grenade, I know what's going to happen next. My way's much more fun. इस क्रैंक को घुमाना है, और नेडीन डर रही है इसको घुमाने में। इसको घुमाने से पता नहीं क्या होगा। क्या हुआ? कुछ तो हो रहा है। Did you hear that? You feel that? यहाँ से पानी आने लगा। Treasure. Look at that. क्या उधर? ओ holy hell, there's a massive relief carved into the side of that mountain. वहां पर भी पानी गिरना स्टार्ट हो गया है। And you were worried we were going to turn that crank and die.
Guess it's good I've got an archaeologist's daughter with me. It must have been fun growing up, eh? It had its moments. I learnt a lot. Hoysala Empire was kind of his thing. Chloe ke papa ne isko ye sab sikhaya hai. Took up a lot of his time, though. Lekin in sab ki wajah se wo Chloe ko time nahi de pate the. Me, if I go digging for treasure, I better make a buck or two. Oh, sure. I don't take big risks without a good payday. I imagine so. Like running an army, huh? That's a big responsibility. Second nature. It's my father's company. He retired, I took over. Family business. Shoreline ke baare mein baat kari ye dono. Made a real mess of it. Part 4 ke baad wo Nadine Rose ki army nahi rahi hai. You should know. Heard you and those Drake brothers are close. Nadine bol rahi ki tumko to pata hi hoga kyunki Nadine ne suna hai ki Chloe Nate aur Sam ko acche se janti hai. Yeah. Wow. It's a conversation for another time. To kabhi aur is baare mein baat kari Chloe, abhi baat karni chahiye thi na. So, where to next? There's the fort above the waterfalls with the trident. And there's the fort in the mountain sporting the axe. To dono kile jo bache hue na unke paas jana hai ab. To chalo ab kise start kiya jaye. Suppose I should have asked about the Drakes before I took the job. Not much to tell. I know Nate pretty well, Sam less so. He seemed to just appear out of thin air. Let's find a way to get back down to the car. Sounds good. Nate ko acche se janti hai Chloe, lekin Sam ko utne acche se nahi. क्योंकि सैम पार्ट 4 ही में ही आया है और नेट को तो उसे पहले से जानती थी क्लोई। तो चलो भाई लोग आज के गेम प्ले यहीं पे खत्म करते हैं। काफी लंबा गेम प्ले हो गया लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है, मजा आने वाला है आगे की गेम प्लेस में। और जाने से पहले कमेंट करके बताना कि आज के गेम प्ले आप लोगों को कैसा लगा और वीडियो को लाइक कर लेना, नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना। अभी बहुत कुछ करना है, ख्याल रखो, सेफ रहो, अच्छे से रहो। बाय बाय।